हाय गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं नैनीताल। जी हाँ, और नैनीताल जाते हुए ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये रास्ता है भवाली होते हुए, यानी कि आप जो काठ गोदाम से आते हो तो आपको जो सीधे रास्ता जाती है वो जाती है नैनीताल की तरफ, और एक रास्ता जाता है आपको भीमताल की तरफ। और जो मैं जा रहा हूँ ये भीमताल से होते हुए भवाली होते हुए हम जा रहे हैं नैनीताल, और नेचर आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कितना सुंदर नेचर है यहाँ पर। और आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नैनीताल की कुछ खास चीज़ें, नैनीताल में आखिर ऐसा क्या है, और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हम दिखाने वाले हैं। तो फाइनली इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए नैनीताल का नज़ारा। अभी जो आप देख रहे हो वो हम भवाली से निकल रहे हैं और भवाली को क्रॉस करके नैनीताल की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो नैनीताल और भवाली की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 9 किलोमीटर की है, और 9 किलोमीटर के बाद आपका आता है नैनीताल। वहाँ से भी दो रास्ते हैं बट हम आए हैं सीधे। अभी जो आप देख रहे हो वो हम नैनीताल में इंटर कर चुके हैं। नैनीताल में इंटर करते हुए आप ये मार्केट देख सकते हो जो बहुत अच्छी मार्केट है, काफ़ी मात्रा में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। और अभी जो सीज़न है वो ठंड का सीज़न है, ठंड के सीज़न यानी कि जनवरी लास्ट है, और जनवरी के लास्ट में इस बार ये 2021 में यहाँ पर ठंड थोड़ा सा कम है और धूप अच्छी निकल रही है, क्योंकि इस बार बर्फ़ भी नहीं गिरी है यहाँ पर, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। आगे वीडियो में आप देख सकते हैं हम बिल्कुल नैनीताल की जो झील है उसके पास आ गए हैं, और ये है वहाँ के होटल्स। यहाँ की होटल्स जो हैं उनकी खूबसूरती बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और ये जो झील है ये झील बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये जो आप देख रहे हैं ये है नैनीताल का चर्च, जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, जो मार्केट में बना हुआ है नैनीताल में, बहुत अच्छा चर्च है ये। सो गाइज, फाइनली अब हम आ गए हैं नैनीताल में। आप देख सकते हैं हमारे जो पीछे का व्यू है वो बहुत ही शानदार है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर जनवरी में भी, और पीछे जो आप झील देख रहे हैं वो झील बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं भीमताल झील से तो उससे छोटी है, लेकिन भीमताल से छोटी होने के बाद भी नैनीताल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ का नज़ारा जो झील के चारों तरफ जो काफ़ी ऊंचे हैं माउंटेन वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके आप बोटिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ में आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं बोटिंग करने के लिए, और काफ़ी लोग बोटिंग कर भी रहे हैं। आगे दिखाते हैं हम आपको।
और ये है नैनीताल की मार्केट वीडियो में जैसा हमने आपको दिखाया, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ की मार्केट कितनी ज़्यादा शानदार है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, पीछे आप देख पा रहे होंगे। और ये मार्केट से आप शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब हम आ गए हैं माँ नैना देवी मंदिर, जो झील के बिल्कुल साइड में ही है, और माँ नैना देवी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दर्शन करना ही है। जो सबसे पहले मंदिर आप देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है, और उसके बाद सारे मंदिर हैं, और ये बहुत अच्छा और बड़ा मंदिर बना हुआ है माँ नैना देवी का मंदिर। और नैनीताल का ये खास मंदिर है और बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, आप दर्शन ज़रूर करना। Oh, oh, oh.